हम आज हम बना रहे हैं चटपटा सा चटखारेदार सा चिकन। इसके लिए हमें ये तकरीबन मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। इसके लिए थोड़ी सी बोटी ना, बड़ी आम जो हम नॉर्मल सालन में बोटी डालते हैं उससे बड़ी बोटी बनेगी इसकी, और उसमें जाएगा ये 1 किलो चिकन है मेरे पास। उसके लिए मैंने 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1 चाय का ही चम्मच ये काली मिर्च है, और नमक हसबे जायका है। इसमें तकरीबन 1.5 पाव दही जाएगा, 4 से 5 अदद लीमू जाएंगे। ये लीमू आप अपनी खटास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चाय खाने का चम्मच भर के हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है। हम इसके साथ एक झटपटची हरी मिर्चें बनाएंगे। ये मैंने 10 से 15 हरी मिर्चें ली हैं, इसको हम कट कर लेंगे। इसके लिए हमने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हमने ये दही ली है, दही बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें एक ये चिकन क्यूब जाएगा, चिकन क्यूब ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें। इसका फ्लेवर वैसे आता बहुत मज़े का है इसके अंदर। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, नमक हसबे जायका डाला है, थोड़ी सी हल्दी है तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच, और 1/2 चाय का चम्मच ही हमने ये पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जीरा जाएगा। हमने ये लीमू निचोड़ ली है, और साथ ही अब हम ये इसके अंदर दही डाल देंगे, और दही के अंदर हम ये अपने सारे मसाला जात डालेंगे, लहसुन नमक मिर्च और गरम मसाला, ये सब डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे, और इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये हमने इसमें 1 कप ऑयल डाला है, और इसको जरा हम तेज़ गर्म कर लेंगे। जब अच्छे से ये तेज़ गर्म हो जाए तो फिर हम ये अपना ये चिकन इसके अंदर डालेंगे जो हमने मैरिनेट किया था चिकन। ये हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है जब तक कि हमारा दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये झटपट तैयार हो जाता है, बस दही का पानी जब तक खुश्क होगा जब तक ये पकेगा। अब ये मिर्चें बनाने के लिए मैंने ये एक कढ़ाई ली है, आप तवे पे या फ्राई पैन पे किसी पे डालें। इसमें 3 से 4 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ये जीरा डालेंगे। जब ये ज़ीरा चटकना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम ये हरी मिर्चें डालेंगे। ये जो हमने मसाले और ये दही रखी थी ये अब हम डालेंगे। पहले हम दही डालेंगे क्योंकि एकदम से मसाले जल ना जाए। मिर्चों को उस वक्त तक हमने फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर अभी ये दही हमने डाल दिए, साथ ही ये धनिया नमक हल्दी और मिर्चें हमने इसके अंदर डाल देंगे। हम ये चिकन क्यूब डाल देंगे, और साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मिर्चें अच्छे से गल जाएं, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे ताकि मिर्चें अच्छे से गल जाएं। यह हमारा चटपटा चटखारेदार सा चिकन तैयार है, और उसके साथ ये हरी मिर्चें भी मज़ेदार सी हरी मिर्चें तैयार हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।